कलकत्ता आए हो कभी? हावड़ा ब्रिज आपने देखा है? दो पावा का पुल है अपने यहाँ। दो पावा का पुल है, मात्र दो ही पावा, और वो भी 50 साल से है। आप बंगाल में आई हुई हैं अलका? यस। और रवि भैया आपको देखिए रसोगुल्ला खिला रहे हैं। रसोगुल्ला खाओ 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 मिष्टी दही के साथ। नमस्कार, मैं हूं गायक मनोहर सिंह। अभी हम लोग हैं बनारस में और हमारी यात्रा शुरू हो रही है वाराणसी लाल बहादुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए। तो आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। हमारा ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट हमारे जीजा जी आए हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पर। अब यहाँ होने वाले हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक एंट्री पॉइंट पर, हमारी और हमारे ठकुराइन का। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। एयरपोर्ट में अंदर जाते ही हमें लेना होता है सबसे पहले बोर्डिंग पास। यहाँ हमारे लगेज का वेट हो रहा है। अरे बाप रे बाप, हम हो गए पिछड़ा से गोपाल भैया का। और इसी दौरान औचक हमारी मुलाकात हो रही है भोजपुरी लोक संगीत के बहुत ही बेहतरीन गायक बड़े भैया गोपाल राय जी से। उनका आशीर्वाद लेते ही हम लोग आगे बढ़ गए। चलिए अलका कुमारी, थैंक यू। हम लोगों ने बोर्डिंग ले लिया है, अब हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट में मिलेंगे। हाँ, बने रहिए हमारे साथ, आप सबको अच्छा लगेगा हमारी इस यात्रा का खूबसूरत आनंद। आप भी उठाइए। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं फ्लाइट के अंदर। हमारी यात्रा ऐसे ही खूबसूरत हो जाती है जब अलका का साथ रहता है। पिछली बार आपको बहुत मिस किया था, इस बार आपके साथ जा रहे हैं। इसीलिए तो हम आपके साथ हैं। तो अब हमारी फ्लाइट उड़ने वाली है और अब हम लोग रास्ते में क्या करने वाले हैं आप सभी को दिखा रहे हैं। अभी बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके प्रस्तुति। हमारी ठकुराइन के लिए सेफ्टी फर्स्ट होता है, चाहे वो कार हो या फ्लाइट। सीट बेल्ट देखिए पहले लगाती है। जहाज में बैठने के बाद बनारस का व्यू अभी थोड़ा उजड़ा उजड़ा सा है, इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बारिश होने वाले हैं। यात्रा के दौरान भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए ये वेज सैंडविच टाइप से कुछ आया हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। तो हम लोग खा के इसका जब टेस्ट किए तो बहुत ही अच्छा लगा। इस सैंडविच का बहुत टेस्टी स्वाद था। हमारे खाने के स्पीड से तो आपको पता लग ही गया होगा। जहाज में तो एक चीज़ है कि कब एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते पता नहीं चलता। अभी हम लोग पहुंच गए कोलकाता दमदम एयरपोर्ट पे और निकल गए हम लोग बाहर। वाह, कोलकाता में आप हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और मैं जिनसे मिलवाने के लिए कह रहा था वो शिवशंकर भैया हैं। ये देखिए, हेलो भैया बोल दीजिए सबको। और शिवशंकर भैया के बेटे के प्रथम जन्मोत्सव में हम लोग आज आए हुए हैं उसको शुभकामनाएं देने और अपनी प्रस्तुतियां रखने। तो शिवशंकर भैया से तो मेरी फोन से ही मुलाकात हुई थी, मेरे साथ साथ आपसे भी मुलाकात हो रही है इनसे पहली बार। तो बस हम लोग चलते हैं होटल पे, शाम को हम लोग चलेंगे सेलिब्रेशन करने और कुछ गाने बजाने के साथ। यस यस यस। कलकत्ता आए हो कभी? हावड़ा ब्रिज आपने देखा है? दो पावा का पुल है अपने यहाँ का। दो पावा का पुल है, मात्र दो ही पावा, और वो भी 50 साल से है। ठीक है, आज हम लोग गाड़ियों में कलकत्ता घूम रहे हैं। कल का अरे बहुत ही अच्छा लगा था। आमी के भालो आची कोलकाता रम आची। मत बोले भाग जाएगा। ठीक है भाई, तू मजबूरी है। ठीक है, इतना बेइज्जत मत कर, बहुत बेइज्जती हो गए आप, बेइज्जत मत कर। अमित तो हार के भालो आछे आछे की आछी कोलकाता ऐसे का आछी ऐसे का आछी मतलब मैं कोलकाता आ गया। हां अमित कोलकाता ऐसे का आछी अमित कोलकाता ऐसे का आछी चलेगा। यह शिवशंकर भैया कौन सा ब्रिज है? ये विद्यासागर से तो 16 सेकंड ब्रिज बोला जाता है। अच्छा, इसके बीच में भी नहीं है ना वो पिलर? नहीं, इसमें पिलर है भैया। अच्छा, इसमें पिलर है, ये इंडिया का बना हुआ पिलर है भैया। विद्यासागर वाले में पिलर है
और अंग्रेज जो बनाया उसमें पिलर पिलर नहीं है। मिष्टी दही खेत ही होवे, मिष्टी दही खेत ही होवे। अलका अरे यार मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। जो बिल्डिंग है ना भैया ये क्या है? हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री यही बैठती है, ममता बनर्जी। अच्छा अच्छा, आप बंगाल में आई हुई हैं अलका? यस। और रवि भैया आपको देखिए रसोगुल्ला खिला रहे हैं। रसोगुल्ला खाबो 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 मिष्टी दही के साथ। ये बंगाल का सबसे फेमस स्वीट है ना रसोगुल्ला जिसको बोलते हैं। रसगुल्ला मतलब यहाँ रसोगुल्ला, ये मिष्टी दही रसोगुल्ला के साथ। अभी हम लोग जहाँ रुके हुए हैं ये है शिवशंकर भैया के कपड़े मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री। किड्सवर्ल्ड बोल के कंपनी है, किड्सवर्ल्ड गारमेंट एलएलपी। अच्छा एलएलपी कंपनी हमारा है। हाँ हाँ हाँ। अभी ये जो माल पैक है विशाल मेगा मार्ट। अच्छा ये विशाल मेगा मार्ट, ये विशाल मेगा मार्ट 99 का फ्रॉक है। 99 का ये फ्रॉक ऑल ओवर इंडिया। कैसे कपड़े मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, जिसको चलाते हैं शिवशंकर भैया, इनके बड़े भैया रवि भैया और पिताजी मिलकर। का स्वागत है होटल के रूम में। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे कलकत्ता आके? अच्छा लग रहा है। कोलकाता पुरानी सिटी है, पुरानी शहर है, और ये सबसे पहले ये हमारे भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, उसके बाद अब दिल्ली है। तो वो जो चीज़ें हैं जो कोलकाता को दर्शाती है, कुछ पुरानापन, आज के दौर का कुछ नयापन, सबको आज हमने देखा काफी टाइम के बाद, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा ठाकुर जी? आगे लाल पीछे लाल, अभी हूँ कोलकाता में मनोहर जोगिंदर सिंह और शशिरेखा का लाल, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। भैया सर थोड़ा सेल्फी लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, निकलेंगे ना 6 बजे करीब तो मिलेंगे ना। ठीक। हमें सुर संग्राम से देख रहे हैं, मतलब 12-13 सालों से देख रहे हैं और अभी फेसबुक से लगातार देख रहे हैं। हाँ। तो हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि एक तरीके से घर जैसी फीलिंग्स जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ मिल रहा है। हाँ। श्रोताओं का प्यार मिल रहा है, तो किसी कलाकार के लिए जो पब्लिक फिगर है उसके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। अभी हम लोग दोपहर का भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद आराम, उसके बाद शाम के लिए तैयारी। आज मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप बताइए, और जो आप लोग देख रहे हैं आप भी बताइए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ठाकुर जी। और हम दोनों का ड्रेस जो है बहुत मैच करता हुआ है, मैच करता फूल लगभग 80%। ये मैचिंग स्पेशली आज के शो के लिए, आज के शो के लिए था। तो बस चलते हैं मंच पर, मिष्टी मिष्टी गान प्रस्तुत करें। मेरा सिंदूर रह गया था, मैं सिंदूर इसको और अच्छे से लगा लूं ठाकुर जी। बस करिए तो चूहेगा, पसीना होगा गर्मी। ओके डन, यस रेडी टू गो। शाम का वक्त है, कोलकाता शहर में चारों तरफ गाड़ियां ही दिख रही है, रास्ते पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और इधर हम लोग पहुंच गए राघव बाबू के प्रथम जन्मोत्सव कार्यक्रम में। पहुंचते ही हमने शिवशंकर भैया की माताजी से आशीर्वाद लिया, फिर बड़ी भाभी से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई छोटी भाभी से जो कि राघव बाबू की मम्मी, और गोद में है राघव बाबू जो सारे गामा पा इंडियन आइडल से भी बहुत मशहूर कलाकार हमारे बीच में आए हुए हैं, बड़े भैया मनोहर सिंह जी और मैं प्यारी से बड़ी दीदी। आइए दरबार में, अलका जी दरबार में हाजिरी रखेंगे और इनका भी स्वागत दुपट्टा पहनाकर पांडे परिवार में। मनोहर भैया इधर देखिए दुपट्टा पहनाकर, और जोरदार ताली होना चाहिए एक बार, अतिथि कलाकार हैं बहुत। राघव बाबू के पहले जन्मोत्सव में जगराता रखना क्या कमाल की सोच है, और इतने खूबसूरत हमारे म्यूजिशियन, तो बहुत ही मजा आ रहा था। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद देता लोग। बहुत खूबसूरत माहौल आज के डेट में, वहां परिवार के सब लोग हो, रिश्तेदार हो, हित नाथ हो, सास हो के, अगर माई होंगे तो सासों हो कि हंसराज चाचा के दो बेटा रविशंकर भैया और शिव शंकर भैया। चोली 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 चोली
तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी प्रस्तुति रखी, यहाँ उपस्थित लोगों ने खूब इंजॉय किया जिससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई। बोली सच्चे दरबार की। आज के दिन में हमने सबसे माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज के दिन बोलो प्रेम से माता रानी की जय। सकता हो सोना चांदी धन दौलत का बा दे भाई। अरे का हो सोना चांदी धन दौलत की दिलवा लगन दिलवा लगल देवी माई सोना चांदी दिलवा लगल देवी माई मारल सवतिया पिया राजा सवतिया चनी चकमाया राजा। जे समझदार आदमी है ना वो मेरे रुओ के लिए चलिए मैंने ये गाना गाया तो सबकी आंखों में प्यार उमड़ गया और आप देख सकते हैं ये सास और बहू का प्यार है, नज़र न लगे इस परिवार को। और साथ ही जितने भी गेस्ट आए हुए थे सब हमारे साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस परिवार में अपनी प्रस्तुति दे के हमें लगा ही नहीं कि हम कहीं कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर परिवार में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ उपस्थित सभी कलाकार खूब इंजॉय कर रहे थे, वो राकेश हो या फिर संजय मेहरा जी की पूरी टीम हो। और फिर बारी आई राघव बाबू की केक कटिंग की, तो सारे फैमिली के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और राघव बाबू का यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है। अलका जब जब प्रस्तुति कर रही थी वहाँ के लोग इमोशनल हो जा रहे थे और अलका के विवाह गीतों की फरमाइश वहाँ आई तो वहाँ उपस्थित सभी लोग रोने लगे, जो मुझे भी देख के बहुत आश्चर्य लगा। और यहाँ पे मुझे मिली एक बहुत ही प्यारी सी फैन या बहन कह लीजिए, अर्चना तिवारी जी, जिन्होंने ये गाने की फरमाइश करी और ये माहौल क्रिएट हो गया। कोलकाता की खूबसूरत यात्रा आप सभी के बीच में हम दोनों साझा कर रहे हैं और शिवशंकर भैया की एक कहावत, दूध दही सब सही, यहाँ से लेके हम जाएंगे बनारस। सर भैया बहुत बढ़िया, मजा आया, सुंदर आनंद आया ना? हाँ, आनंद आया। कैसा लगा? एकदम फिट फिट, एकदम सुपर सुपर टू फिट। तो आज का हमारा ये ब्लॉग यही होता है समाप्त। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने परफॉर्म किया, आप लोग खुद इंजॉय कर रहे होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ शिवशंकर पांडे जी का, जिन्होंने हमें अपने बेटे राघव बाबू के जन्मदिन के प्रथम वर्ष में बुलाया और यहाँ के लोगों ने खूब जम के इंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और हमारी साथी अलका को खूब प्यार दीजिएगा, खूब आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी।